What's up guys, welcome back to my channel. This is my another video in which we will see how to make a battery charging indicator. This is how it see. Okay guys, so maine ye banaya hua hai. So hame apni file open karni hai. Ab yahan pe hame html boilerplate likhni hai. html ye kiya enter. Isko hame title de dete hai. How to make html battery charging indicator. से हो गया गाइस, हमें इसकी जरूरत नहीं होगी. इंटरनल css यूज करेंगे. यहाँ पे अपने स्टाइल टैग यह हो गया है. ओके, एंड फिर हमें बॉडी में हम सिर्फ दो डीव लेने हैं. एक की क्लास देनी है हमें मेन, एंड सेकंड वाले की देनी है हमें बॉक्स. एंड इसकी क्लास हम दे देते हैं बॉक्स. ये हो गया. अब हमारा सारा सीएसएस पे काम है. पहले हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0. ओके, ये हो गया. एंड इसके बाद हमें एक बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना है. सो बॉडी लिख के कर्ली ब्रेसेस एंड जो कलर है वो हेक्साकोड है. सो हमें बैकग्राउंड कलर लिख के हेक्साकोड में D1 और D7 3385 E. ओके, हो गया. एंड इसके बाद हमें शुरू करना है अपना मेन टैग. सो डॉट मेन, पहले इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है. अभी अभी सिर्फ बैकग्राउंड कलर भी नहीं आया हमारा. सो देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर बिल्कुल सही दिया है. सो ये आया क्या नहीं. सो ये आ चुका है. एंड इसके बाद हमें मेन खोलना है. इसकी विड्थ हमें देनी है 100%. एंड इसकी हाइट हमें देनी है 100 VH दे दी है. एंड इसके बाद हमें डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना है. जो इसके अंदर का डीव है बॉक्स, उसे सेंटर में लाने के लिए. ओके, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स, वो भी सेंटर. तो हमारा मेन का काम हो गया. एंड हम इसमें बिफोर आफ्टर यूज करेंगे सूडो एलिमेंट्स. इसके बाद हमें बॉक्स स्टाइल करना है. डॉट बॉक्स, इसकी हमें विड्थ देनी होगी 150 पिक्सल्स. एंड हाइट इसकी दे देते हम 85 पिक्सल्स. एंड उसके बाद हमें इसको बॉर्डर देना होगा. बॉर्डर 6 पिक्सल का देंगे, 6 पिक्सल सॉलिड वाइट. सो देखते हैं रिफ्रेश करके कैसा दिख रहा है. कुछ ऐसा दिख रहा है ये. एंड हम इसमें एनिमेशन का यूज भी करेंगे. जो अंदर का हमारा वो इंडिकेट होएगा वो सारा एनिमेशन से होने वाला है. एंड इसके बाद हमें इसकी पोजीशन देनी होगी, क्योंकि जब भी हम सूडो एलिमेंट्स यूज करते हैं तो हमें एक पोजीशन देनी होती है रिलेटिव. इसकी पोजीशन दे दी है. इसके बाद हम यूज करेंगे इसमें बिफोर. सो डॉट बॉक्स, एंड इसके बाद हमें बिफोर लिखना है कर्ली ब्रेसेस. एंड फिर इसमें हमें सबसे पहले देना होगा कंटेंट कुछ भी नहीं हमारा. फिर इसको पोजीशन देनी होती है एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट दे दी है. एंड इसके बाद हमें इसको देना होगा टॉप 50%. एंड हमें इसको राइट देना होगा राइट -12 पिक्सल्स. ओके, एंड फिर हमें ट्रांसफॉर्मेशन देनी होगी. ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट यूज करेंगे. ट्रांसलेट इधर हमें 0 एंड इधर हमें देना है इसको 50%.
50% माइनस का, सो ये हो गया। एंड उसके बाद हमें इसको विड्थ देनी होगी, विड्थ में देनी है इसे 10 पिक्सल्स की, एंड हाइट हमें देनी होगी इसकी 25 पिक्सल्स, हाइट 25 पिक्सल्स। एंड इसका बैकग्राउंड कलर होगा RGB फॉर्मेट, RGB 25 25 25 and 25। सो हो गया, देखिए ये आगे आ चुका है, लेकिन इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए, टॉप से 50% नहीं करते हमने पिक्सल्स दे दिया, 50% देना था। सो ये बिल्कुल सेंटर में हो चुका है। एंड अब हमें इसके बाद आफ्टर को स्टाइल करना है इसमें, सो हमें सेम वैसे ही लिखना है, बस बिफोर की जगह आफ्टर आ जाएगा, डॉट बिफोर एंड देन आफ्टर, एंड इतना कंटेंट हमारा सेम है, सो कॉपी पेस्ट। ओके, सो फिर हमें अब इसे टॉप देना होगा 2 पिक्सल्स, लिफ्ट देना है हमें इसको वो भी 2 पिक्सल्स, एंड उसके बाद हमें इसके विड्थ देनी होगी, विड्थ होगी हमारी 97%, एंड देन हाइट वो होगी हमारी 95%। देन हमारा बैकग्राउंड कलर आएगा RGB फॉर्मेट में सेम, सो इसे फटाफट कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा पेस्ट। एंड इसके बाद हमें इसे एक एनिमेशन डिफाइन करनी है, एनिमेशन, इसके बाद हमें इसको एनिमेशन को नेम देना है, सो मैं इंडिकेटर दे देता हूँ, इंडिकेटर इसकी 1 सेकेंड होनी चाहिए, लीनियर एंड इनफाइनाइट। ओके, अब हमारा सारा काम हो चुका है, इसके बाद अब हमें इसको एनिमेशन @ की फ्रेम यूज करके देनी होगी, @, इसके बाद हमें देना होगा इंडिकेटर, यहाँ पे हमारे एनिमेशन का नाम आता है, सो हमने ये दे दिया है। अब इसे हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग देना होगा, सो मैं 0% पे इसकी विड्थ देता हूँ इसे 6%, एंड जब इसका 100% पूरा हो जाए, 100%, सो इसकी विड्थ हो जाए 95%। ओके, सो सेमीकोलन से क्लोज किया, ये हो चुका है हमारा। अब रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे, सो गाइस देखिए ये लीनियर पूरा चल रहा है अच्छे से, बार बार ये ऐसे आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस कोड सिर्फ छोटा सा है, बिल्कुल इतना सा है कोड, और वो भी जो है बिफोर और आफ्टर ही है, बाकी हमने 2 div को यूज़ करके बिल्कुल ये बना दिया है। सो गाइस ये कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप कोई भी मिस ना कर सके। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।